सो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था एक बार क्विकली देख लेते हैं, फिर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। ठीक है। अब से जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि टाइम डोमेन में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एक मॉडल डेवलप करा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है। तो वो मॉडल से क्या आया, हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया। ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारा, कि हमने जो डिराइव किया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या था, सी एस डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जी टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। ये आपको सबको याद रखना है। ठीक है। और हमने एक चीज देखा था कि हमेशा क्या रखना है, जीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा रखनी है, सो दैट कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल रहे। ठीक है। जीटा की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको एंश्योर करना है कि जीटा की जो वैल्यू है ना, 0 से ज्यादा। जीटा क्या है, यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सी एस डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जी टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे सी एस क्या है आपका, सी एस है आउटपुट और आर एस है इनपुट। ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि हमको टाइम डोमेन के टर्म्स में जब एनालाइज करना है सिस्टम को बेसिकली, तो हम क्या दे रहे हैं, इनपुट पे स्टेप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। स्टेप इनपुट का मतलब स्टेप के इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। ये यूटी वाला जो सिग्नल है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो जब यूटी दे रहे हैं यानी क्या होगा कि आर एस का मतलब क्या हो जाएगा, यूएस जो भी यूटी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा। तो यूटी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s होता है। ठीक है। अब इस 1/s को रखोगे तो ये आपका जो भी आउटपुट आएगा, जो रेस्पॉन्स होगा सीएफएस, क्या हो जाएगा, 1/s टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। इतना हमारा था। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि जो पूरा इसका जो रेस्पॉन्स है, ठीक ना, जो भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स है, उसमें एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर है, वो है जीटा। जीटा क्या बोलते हैं इसको, डैम्पिंग रेशियो। राइट। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो। जीटा ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके। सो हम क्या करेंगे कि जीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे क्या करेंगे, हमको सीटी को पता करना है। ठीक है ना। देखो ये क्या है, बेसिकली सीएस है। सीएस से सीटी हमको लाना होगा, तो क्या करेंगे हम, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे उसके लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहला केस क्या लिया कि जीटा की वैल्यू 0 लिया। अब जीटा की वैल्यू 0 लिया, उस टाइम पे हमने सीएस निकाला, तो सीएस हमारा क्या आ गया, ये आ गया समथिंग ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ये बेसिकली इसलिए हमने इसको पार्टीशन से अलग करा। ठीक है ना। क्यों अलग करा, क्योंकि हमको इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमको इसको टाइम डोमेन में चाहिए सिग्नल। तो हमने देखा टाइम डोमेन में क्या आ जा रहा है, 1 माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा एन टी आ जा रहा है। ठीक है ना। बेसिकली ये क्या होगा, एक साइन वेव टाइप का वेव फॉर्म होगा, और वेव फॉर्म हमने देखा था कैसे हमने ड्रॉ किया था इसको। ये आपका है 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी का। ठीक है। एक किस केस में है, ए है आपका, ये है जब जीटा की वैल्यू 0 है। अब देखो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन कभी डाई आउट नहीं होगा, ये कम नहीं हो रहा है। ठीक है ना। कम कहीं जाके नहीं हो जा रहा है। तो जब कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें डैम्पिंग नहीं हो रहा है, देर इज नो डैम्पिंग इन्वॉल्वमेंट टू इट। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, इफ समथिंग इज फ्लक्चुएटिंग वो क्या करता है, उसको कंट्रोल कर देता है। इसमें तो कंट्रोल तो हो नहीं रहा, तो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट ही कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अनडैम्प सिस्टम है। ठीक है ना। तो जब जीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, अनडैम्प सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और उसका मैंने पोल जीरो प्लॉट भी आपको बताया था कि पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, सिंपली जीटा की वैल्यू हमने 0 रख दिया था इसमें, तो आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन एस आ जाएगा। इसमें पोल अगर प्लॉट करोगे तो आपका ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन पे पोल आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया अनडैम्प्ड का। दूसरा हमने देखा था जो जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ठीक है ना। जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो उस केस में जो आपका आउटपुट होगा, उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा। ठीक है। तो जब जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, इस ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है ना। कैसा सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम क्या था, जब जीटा की वैल्यू क्या है, 0 थी। ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम। और जीटा की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में क्या हो गई, तो अंडर डैम्प सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपको इसमें भी आपको सेम वही काम करना है, इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आपको ध्यान से देखना है। तो आप इस फॉर्मूले को, इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन को मेमोराइज करोगे। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करना जरूरी है, इसके बिना सर्वाइव नहीं होगा। ठीक है ना। इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सी टी इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। और 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 की वैल्यू है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर और डिवाइड बाई जीटा। और ओमेगा डी जो है लिखा है वो क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको आपको पूरा ये करना है। जब इसको प्लॉट करोगे कैसे दिखेगा, ए वाला ही,
आपको प्लॉट दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है देखो, ऑसिलेशंस क्या हो रहा है, धीरे 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 डाई आउट हो जा रहा है, ठीक है ना, डाई आउट हो जा रहा है। क्यों डाई आउट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो जीटा है ना वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब जीरो नहीं हो रहा है। जब जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसमें डैम्पिंग होगा, ठीक है ना। तो डैम्पिंग होगा मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे जाके सेटल मतलब डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमने देखा। फिर हमने देखा कि जब इसमें जीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनडैम्प्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इससे आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हो वाला चीज, ठीक है। एनीवेज तो अब हमने देखा कि थर्ड केस हमारा क्या था, जीटा इक्वल्स टू वन, जिसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। तो उस केस में हमने क्या निकाला, सीटी की वैल्यू निकाल ली हमने, वन माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है ना। ये हमारा आया है किस केस में आया है, जब हमने जीटा की वैल्यू वन लिया है। और जीटा की वैल्यू वन जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, जीटा की वैल्यू वन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब इस चीज को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इसका प्लॉट कैसे आएगा, देखो इसमें हम लोग सी टी को प्लॉट करना चाहें विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी, तो इसका प्लॉट कैसे आएगा, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये हमारा टाइम एक्सेस है और ये हमारा है सी एफ टी, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं वन का मार्क कर लेते हैं। सपोज करो ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, क्या है, वन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यही वाला हमने इनपुट दे रहे हैं, या तो हम इस सिस्टम को क्या दे रहे हैं अभी, किस कौन से इनपुट पे सारे सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, स्टेप इनपुट पे। अब मैंने जो अभी वन लिखा है ना, बेसिकली स्टेप इनपुट ही बनाया है, ठीक है। अभी इस रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब जीटा की वैल्यू वन है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो जब इसके आउटपुट आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम की। क्या है बेसिकली, ये आपका जीरो है, इसको आप लिखोगे क्रिटिकली डैम्प, एक क्रिटिकली डैम्प वाला केस है, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, वन है, ठीक है। तो देखो आपको सारे एक्सप्रेशन को ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसा आउटपुट आता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है आपको सारे एक्सप्रेशन ही याद करो, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रांसफर फंक्शन इसका याद होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफर फंक्शन जो भी रहा, जैसे इसका सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको सबको याद होना चाहिए। और ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपका, वो है सिंपली सी एस डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये इक्वेशन ना सबको याद होना चाहिए, ठीक है, सारे लोगों को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद होना चाहिए। अब इसी में आप क्या करोगे, इसी में जब हम स्टेप इनपुट देते हैं, इसी में स्टेप इनपुट देते हैं, तो उस केस में क्या रख देते हैं, आर एस इक्वल टू रख देते हैं वन बाई सॉरी आर आर एस इक्वल टू क्या रख देते हैं, वन बाई एस रख देते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है। अब ये रख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, सी एस, सी एस उसके बाद जब ये रखोगे तो आप सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, सी एस, इसके बाद आपका आ जाएगा सी एस इक्वल टू, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या वो रखना है, एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हम सी एस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब सी एस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो सी टी भी हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉरी जीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, तो सबसे पहला केस क्या लिया, जीटा इक्वल टू जीरो लिया, फिर हमने क्या लिया, जीटा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लिया, और तीसरा केस क्या लिया, जीटा इक्वल टू वन लिया, ठीक है। ये तीन केसेस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पहले वाले केस को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड। नीचे वाले केस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। ये सारा सिस्टम हम लोग ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे का वेव फॉर्म भी आपको याद होगा, ठीक है। जीटा इक्वल टू जीरो का वेव फॉर्म कैसे होता था, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जीटा इक्वल टू जीरो का वेव फॉर्म कैसा होता था, इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसे था, साइन वेव था, तो ये कुछ ऐसे जा रहा था हमारा, सॉरी हम लोग ड्रॉ किए हैं, वन माइनस कॉस समथिंग था, ये वाला वेव फॉर्म, ये देखो, ठीक है ना। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म है, ये आपका है
जीटा इक्वल्स टू जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म। ठीक है, तो जब जीटा इक्वल्स टू जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म है तो ये कैसे दिखेगा आपको, इसको बेसिकली आप ड्रॉ कर लेना, वन माइनस कॉस समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना, ये वाला है। ठीक है, अब जीटा इक्वल टू जीरो, जीरो और वन के बीच वाला कैसा वेव फॉर्म था, इसमें क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था और फिर धीरे 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 डाई आउट हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, और क्रिटिकली डैम्प सिस्टम कैसा था, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम था ऐसे करके, ठीक है, ए वन था और वन के पास रीच कर रहा था। तो ये सारा हम लोगों ने तीनों चीजें देख ली है, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम और अनडैम सिस्टम। ठीक है, अब एक केस हमारे पास बचता है जिसमें जीटा की वैल्यू केस फोर, हमारे पास बचता है केस फोर। केस फोर में हम क्या लेंगे, जीटा की वैल्यू क्या लेंगे, जीटा की वैल्यू लेंगे हम लोग, ये लो से लिखते हैं, जीटा की वैल्यू लेंगे हम लोग ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर डैम सिस्टम, क्या बोलते हैं, ओवर डैम सिस्टम, डैम सिस्टम। ठीक है, ओवर डैम सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब देखो ओवर डैम सिस्टम का मतलब क्या है, अच्छा जीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, वन से ज्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में भी हम सी एस लिखना चाहेंगे तो सी एस तैयार यही होगा ना, बेसिकली क्या होगा आपका, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इन टू एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अगेन आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लोगे, फिर इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, कुछ ई टू द पावर समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मैं सीटी डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं, वैसे सीटी अगर आपको लिखना होगा तो कुछ कांस्टेंट टर्म के साथ इसको आप लिख सकते हो, बट वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका सीटी बनाना हो, इसका सीटी क्या करोगे आप, सिंपली इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लोगे, क्या मिल जाएगा आपको, सीटी मिल जाएगा। अब सीटी विद रेस्पेक्ट टू टी अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे दिखेगा, पहले देख लो कैसे दिखेगा वो आपका ना, जैसे हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकली डैम सिस्टम की, ठीक है ना, उसमें जीटा इक्वल टू वन लिए थे हम लोग। ठीक है, अब इस सिस्टम को ध्यान से देखो कैसे दिखेगा, सपोज करो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है, ये वन के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है, ठीक है ना, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन। ठीक है, तो क्या है देखो, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओवर डैम सिस्टम की ना, ओवर डैम सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा देखो, ये सिस्टम ना ऐसे होगा ऐसे। ठीक है, ये भी ना देखो, ये भी क्या है ना, एक्चुअली ये भी सिस्टम जो है ना आपका कैसा रेस्पॉन्स फॉलो करेगा, क्रिटिकली डैम सिस्टम वाला ही करेगा, बट अंतर क्या होगा ये ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा ना, ये सिस्टम ना, ये सिस्टम स्लो होगा, जो ओवरडैम सिस्टम होता है ना स्लो होता है, और क्रिटिकली डैम का मैं देखो अभी लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्रिटिकली डैम वाला ऐसा रेस्पॉन्स था, अभी जो हम लोग क्रिटिकली डैम वाला देखे हैं, तो ये जो है ना ये क्या है, किसका रेस्पॉन्स है, क्रिटिकली डैम का है, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम सिस्टम का सीडी, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम का। और जो अभी व्हाइट वाला है वो क्या है, ओवरडैम सिस्टम का है, ओवरडैम सिस्टम का है। ठीक है, अब बताओ कि ये वन जो है ना, वन क्या है आपका, स्टेडी स्टेट वैल्यू है, तो ये कौन सा सिस्टम पहले स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंच रहा है, ये ग्रीन वाला या फिर ये व्हाइट वाला, तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला पहुंच रहा है, ठीक ना। तो ये जो रेस्पॉन्स है ना, ये जो रेस्पॉन्स है स्लो रेस्पॉन्स होगा, कौन सा रेस्पॉन्स, ओवरडैम्प्ड सिस्टम का, और ये जो है ना क्रिटिकली डैम्प्ड का होगा फास्ट रेस्पॉन्स, ठीक है ना। तो कई बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द फास्टेस्ट, ठीक है ना, सबसे फास्ट सिस्टम कौन सा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा सिस्टम फास्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा आप कहोगे कि इसका वो क्या है, एक्सप्रेशन देखो ना सेम वही वाला है, बस अगर मैं सीटी लिखना चाहूँ, सीटी ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इसको आप याद करो चाहे ऊपर, ए वन माइनस कुछ कांस्टेंट आएगा, एक टर्म आएगा, सपोज करो कांस्टेंट में लिख दो, डिनोट कर दो के से, ये आ जाएगा ई टू दी पावर। डरना नहीं है इस एक्सप्रेशन को देख के, उसको याद भी नहीं करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी, ठीक है ना, ओमेगा डी आपको मैंने बताया था, ऐसे ऐसे एक और टर्म आ जाएगा माइनस, सपोज कर इसको के वन मान लो, इसको मान लो के टू, ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा डी, ठीक है ना, ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे ना, इसी चीज को आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये वाला चीज, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों रेस्पॉन्सेस देख लिए,
कौन कौन से चारों रिस्पॉन्स देखे हम लोगों ने? हमने क्या देखा, सबसे पहले कि हम कोई भी स्टेबल सिस्टम की बात करेंगे तो चीटा की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमको अगर अनडैम्प्ड सिस्टम चाहिए, अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब उस सिस्टम में जो भी फ्लक्चुएशन है वो डाई आउट ना हो, फ्लक्चुएट होता ही रहे, मतलब ऑसिलेट होता ही रहे, ठीक है ना, उस सिस्टम को बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब जीटा इक्वल्स टू जीरो, ये चीज हम लोग देखा, ठीक है। तीसरा हम लोग देखा अंडरडैम्प्ड सिस्टम का। अंडरडैम्प्ड सिस्टम का मतलब जब जीरो और वन के बीच में जीटा की वैल्यू हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्यों रेस्पॉन्स क्या होता है कि ऐसे स्टार्ट हो गए ना, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है ना, उसमें ओवरशूट आता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, इसको बोलते हैं अंडरडैम्प्ड सिस्टम। फिर हम लोग ने जो चौथा केस देखा वो जीटा इक्वल्स टू वन वाला देखा, ठीक है। तो जीटा इक्वल्स टू वन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा जो केस है, एक्चुअल में इसमें तो चौथा है लेकिन मैं अगर वो अनस्टेबल वाले काउंट करूँ तो पांचवा हुआ, तो इस वाले केस में क्या होगा, इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जिसमें जीटा की वैल्यू एक से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमने सारे सिस्टम्स इसमें देख लिए कि इसका कैसे कैसे रेस्पॉन्स आएगा। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना, आप सबको याद होना चाहिए ग्राफ कि कैसे इसका ग्राफ होगा, ठीक है, सारे सिस्टम्स का। ओके, तो एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले फर्स्ट देखो हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था जीटा इक्वल टू जीरो। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को आप मेरे साथ बोलो, आप लोग इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अनडैम्प्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसका इसका रेस्पॉन्स कैसे होगा, इसका रेस्पॉन्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ड्रॉ करना सीधी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम एक्सिस और ये हमारा हो गया सीटी। याद होगा सीटी का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स है जीरो। एक हम लोग मार्क कर लेते हैं वन, वन वाली लाइन मार्क कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये हमारा जो इनपुट दे रहा है ना उसी के रेस्पेक्ट में है, वन हमने मार्क कर लिया। तो हमारा जो अंडर डैम्प सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है, इसको थोड़ा सा सॉरी इसको हम नीचे कर लें, ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा सा हम नीचे मार्क कर लेते हैं। सपोज कर रहे हैं हमारा वन, ठीक है ना, इसको हम मार्क कर लिए वन, ठीक है। अब जो हमारा अनडैम्प्ड जो सिस्टम है वो कैसे दिखेगा, वो दिखता है कुछ ऐसे, ऐसे कर, सॉरी फॉर माय ड्राइंग्स, ये बेसिकली फ्लक्चुएट ऐसे होता रहेगा ऐसे कर, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है ना, अनडैम्प्ड। ये क्या होगा, इसका ऑसिलेशन डाई आउट नहीं होगा। दूसरा केस, सेकेंड वन, सेकेंड वन की वैल्यू क्या है, जीटा की वैल्यू वन ले लेते हैं, चलो क्रिटिकली वाला ड्रॉ करते हैं पहले। ये है आपका क्रिटिकली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। अच्छा, इसको अंडर एस्टिमेट आप लोग मत करना, एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ देकर पूछता है कौन सा सिस्टम है, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, इसको गवर्नमेंट जॉब का देना है एग्जाम, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। ग्राफ दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट व्हाट, ठीक है, बोल देगा चार, वो दे देंगे, बोलेंगे कौन सा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। एनीवेज, सो इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो इसको भी हम लोग क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा टाइम एक्सिस, ये हमारा सी ऑफ टी, ये हमारा जीरो, मार्क कर लो वन, ये हमारा हो गया वन, ठीक है। क्रिटिकली डैम का मतलब क्या होगा, ये ऐसे कुछ भागेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये आपका क्रिटिकली डैम सिस्टम, ठीक है। अब देखो ना, इसमें हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टी आर, इसको बोलते हैं राइज टाइम, ठीक है, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं टी आर। तो टी आर का मतलब क्या होता है ना, जब हमारा जो क्रिटिकली डैम सिस्टम है, क्रिटिकल डैम सिस्टम अगर हम टी आर डिफाइन करना होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हमारा आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या, सी टी, सी टी की वैल्यू क्या 5% से लेके 95% तक जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर सी टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 1 का 5% कितना हुआ, 1 का 5% कितना हुआ, ये हुआ 0.05, ठीक है ना। अब ये 0.05 से लेके कितना मैं बोला हूँ, 1 का 95%, 95% तक जाए, 95% का मतलब क्या है, 0.95, मतलब क्या है, 0.05 से लेके 0.95
तक जाने में जो जो मतलब टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं लोग, उसको बोलते हैं राइज टाइम। ठीक है ना, मतलब क्या है, जैसे मान लो ए पॉइंट है, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं मान लूँ कि ए वाला वैल्यू है, ये है 0.05 है, ठीक है, और सपोज करो यहाँ मान लूँ मैं वैल्यू है, ये है 0.95 है, ठीक है ना, तो इसको मैं मार्क करूँ ऐसे, ठीक है ना, इसको मैं मार्क करूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है, कहां से कहां, यहां से लेके यहां जाने में जो टाइम लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं, टी आर, ठीक है ना, टी राइज में लिख देता हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइज टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप एकदम क्लियरली जान जाओ, राइज टाइम का मतलब क्या है कि क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में हमको क्या होता है, 0.5% से, ठीक है ना, आउटपुट को 5% से लेके 95% में, किसके 95% और किसका 5%, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, मैक्सिमम 1 जा सकता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे 1 जाएगा, इसकी वैल्यू मैं पूछूं इनफाइनाइट पे कितनी होगी तो 1 हो जाएगी। अब इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू अगर 1 हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, 1 हो रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है, तो 1 का 5% कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, और 1 का 95% कितना हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी क्या है, जो राइज टाइम डिफाइन कैसे होता है कि इसकी वैल्यू 0.05 से लेके 0.95 तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, राइज टाइम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है सेटलिंग टाइम, ठीक है ना, सेटलिंग टाइम क्या होता है ना कि ये जाके ना, जैसे होता क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 1, ठीक है, अब ये कहीं ना 1 का 90 मतलब 1 का 98% हो रहा होगा, 98% का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू होगा जहां पे 0.98 हो जा रहा होगा, ठीक है, वहां पे ना सपोज करो यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना ये है 0.98, 0.98 किसकी वैल्यू है, सीटी की वैल्यू, सीटी इक्वल टू 0.98, ठीक है ना, तो इसको हम लोग सेटलिंग टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम कहाँ से कहाँ कैलकुलेट होगा, ये पूरा टाइम जो होगा ना टीएस कैलकुलेट होगा, ठीक है ना, ये जो पूरा टाइम होगा वो तो क्या कैलकुलेट होगा, टीएस कैलकुलेट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सेटलिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, एक होता है ना, हम किसी भी सिस्टम को हम लोग टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट को इंडिकेट कैसे करते हैं, टाउ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का ना अगर टाउ की वैल्यू कम है, ठीक है ना, टाउ की वैल्यू अगर कम है, टाइम कांस्टेंट कम है, तो उसका सेटलिंग टाइम भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए। टाउ और सेटलिंग टाइम क्या है, टाउ जितना कम होगा उतना ही सेटलिंग टाइम भी, टीएस मैंने लिखा है सेटलिंग टाइम को, तो ये भी कम होगा, ये आपका टीएस है और ये आपका राइज टाइम है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, एक बार डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, अभी आप बेसिकली मैंने उसमें मार्क कर दिया कि कैसे हम इसमें वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा किस कौन से सिस्टम के लिए होगा, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए होगा, ठीक है। अब थर्ड हमारा सिस्टम जो है, जो थर्ड सिस्टम है वो है जीटा, जीटा की वैल्यू हम क्या ले लें, जीटा की वैल्यू ले लें ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जब जीटा की वैल्यू 1 था, ग्रेटर से 1 से ज्यादा था, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ओवर डैम सिस्टम, ओवर डैम सिस्टम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओवर डैम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। याद होगा ओवर डैम सिस्टम क्या होता है ना, क्रिटिकली डैम जैसा ही होता है, बस उससे उसका रेस्पॉन्स स्लो होता है, ठीक है ना। रेस्पॉन्स स्लो होने का मतलब क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है उसका, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा, तो उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसका सेटलिंग टाइम भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, इसी इसी को अगर हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लूं, वेट, इसी को अगर रेस्पॉन्स को मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये नीचे चला, एनीवेज देखो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी, इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ,
इसका रेस्पॉन्स ना बहुत धीमा होगा किसके कंपैरिजन में, जो हमारा क्रिटिकली डैम्प सिस्टम था उसके कंपैरिजन में, मतलब ना और धीरे भागेगा ऐसे लीनियर में, बहुत धीमे धीमे भागेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प वाला क्या था, ऐसे करके चला जा रहा था ऐसे, मतलब जल्दी से, लेकिन ये क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स स्लोएस्ट होगा, धीरे होगा, तो ये क्या होगा, ये अच्छा इसका राइज टाइम जो डिफाइन होता है ना, चलो इसका भी हम डिफाइन नहीं करते, वही वही कॉन्सेप्ट वही है। इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया कि ये स्लो है, ये क्या है आपका, स्लो है। स्लो का मतलब क्या है, ये ज्यादा टाइम लेगा अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में, मतलब क्या होगा कि टीएस की वैल्यू क्या होगी इसमें, ज्यादा होगी, और टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ओवर डैम्प सिस्टम का टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और सेटलिंग टाइम जो होता है ना, सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है आपको, सेटलिंग टाइम क्या होता है ना कि जाके जैसे जो भी मान लो कि सेटलिंग टाइम का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई आपका सिस्टम है, ठीक है ना, उस सिस्टम का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो वन वन होना है, वन होना है, सपोज करो वन यूनिट होना है, ठीक है। अब वो वन यूनिट का ना, वन यूनिट तो इनफाइनाइट टाइम पे होगा एक्चुअल में देखा जाए तो हम वो इनफाइनाइट टाइम तो वेट तो करेंगे नहीं, तो उसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, चलो वन ना होकर 0.98 भी अगर हो जाता है तो उसको हम मान लेंगे वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो जब 0.98 जैसे भी सिस्टम होगा ना, उसको बोलते हैं ना सेटलिंग टाइम, मतलब 0 से लेके 0.98 तक की जो वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना, उसको क्या बोलेंगे लोग, सेटलिंग टाइम बोलते हैं। तो इसको इस चीज से आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग एक बार और डेफिनेशन इन सब का देखेंगे तो वहां पे आई थिंक क्लियर हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो अभी हम लोग किसका ड्रॉ किए हैं, ओवर डैम सिस्टम का लास्ट हमारा है, इसमें लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, वो है अंडर डैम सिस्टम, फोर्थ, अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। अब अंडर डैम सिस्टम कैसे होता है भाई, तो इसका भी हम लोग वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे और सब का ड्रॉ किए हैं। इसमें भी हम लोग, ये हमारा टाइम, ये हमारा सी ऑफ टी रेस्पॉन्स, और एक मार्क कर लेते हैं हम लोग वन, ये हमारा हो गया वन, ठीक है ना। अब हमारा हम लोग देखा था इसका कैसे आउटपुट आता है, इसका कुछ आउटपुट आता था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके, ये धीमे 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 होके कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है ना। अंडर डैम्प सिस्टम क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें क्या है भाई, कंडीशन है 0 और 1 के बीच में जीटा की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें अगर हम राइज टाइम देखें ना, तो राइज टाइम तो इसमें आप दिख जाएगा, राइज टाइम दिखा होगा तो इसमें सीधे 0 से 1 ये आपका राइज टाइम हो जाएगा टी आर। देखो यहाँ पे 0 है और 1 जहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5% से लेकर 95% डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पे 1 नहीं हो रहा है, 1 इनफाइनाइट से पहले ही 1 में जा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद बढ़ भी जा रहा है कुछ, तो इसलिए हम टी आर जो डिफाइन करेंगे ना राइज टाइम, तो वो आपका पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये 0 से 1 जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग टी आर बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसका 2%, 2% जहां पे रहेगा ना उसको बोल देंगे हम लोग सेटलिंग टाइम। तो ये जो होगा इसको बोल देंगे सेटलिंग टाइम, यहां से यहां तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ ऑल दीज फोर, राइट, चार सिस्टम हम देखे, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम सिस्टम। अब इसमें पूछा सबसे फास्टेस्ट कौन, तो फास्टेस्ट है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट सिस्टम कौन सा है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। इसका जो रेस्पॉन्स है, ये जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है इसका जो रेस्पॉन्स है इसको मॉडरेट बोलेंगे, मतलब इसका ना बहुत ज्यादा स्लो है ना बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडरेट बोलते हैं, मतलब इसका जो राइज टाइम है और सेटलिंग टाइम है क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। तो ये हमारे चारों सिस्टम्स हो गए, ठीक है। चारों सिस्टम्स का हमने क्या देख लिया कि उनका जो आउटपुट आता है वो कैसे आता है, ठीक है। अब क्विकली हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इन चारों सिस्टम्स का हमको पोल जीरो प्लॉट खींचना हो तो कैसे हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम किसके बात कर रहे हैं, ध्यान दो, हम लोग बात कर रहे हैं, देखो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, ठीक है। हम लोग बात किस कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें भाई, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस अपॉन आर एस, वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन
स्क्वायर, ठीक है। अब ए हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो, ध्यान दो, हम लोग जो पोल जीरो प्लॉट ड्रा करते हैं, पोल जीरो वो किसका ड्रॉ करते हैं, वो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का ही तो ड्रॉ करते हैं, पोल जीरो प्लॉट, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं, ये जो नीचे वाला है ना, जब भी ट्रांसफर फंक्शन का जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, टी एफ में लिख दे रहा हूं ट्रांसफर फंक्शन को, उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोग याद रखना, जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आपको याद होगा ट्रांसफर फंक्शन को एक और फॉर्म में लिखते थे हम लोग, जैसे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा सेकंड ऑर्डर, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। एक इसकी बात हो रही है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो इस ऐसे लिखते हैं। अब मैं पूछू, इसका इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है इसका, इसका डिनोमिनेटर क्या है बताओ, इसका डिनोमिनेटर है वन प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस दिस ट्रांसफर फंक्शन, तो आप क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सिंपल क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू जीरो रख दोगे, वही क्या वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो उसमें हम क्या रखेंगे, एक तो तरीका ये है, वन प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो, एक तरीका ये है। दूसरा, अब इसी को आप रखोगे वैल्यू में तो क्या आ रहा है, देखो उसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या आएगा, ये आएगा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, इसका पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, पोल क्या होगा, पोल अगेन, तो पोल निकालने के लिए इसी इसी डिनोमिनेटर का ही तो रूप देखते हैं ना हम लोग, याद होगा पोल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रूप देखते हैं, यही वाला देखते हैं ना, इसको जीरो रख देते हैं, वही मैं कर रहा हूँ, सिंपल नाम बस चेंज हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इसी का इससे पोल निकालने के लिए क्या करूं मैं, एस की जो वैल्यू होगी वही उसका पोल होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा मतलब इसे दो वैल्यू होंगी, उसको मैं मान लेता हूँ एस वन एस टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा श्रीधराचार्य वाला, क्या होता है सिंपल, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक ऐसे होता है, आपको पता ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस वन एस टू दो वैल्यू होंगे, एस वन और एस टू दो वैल्यू होंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा माइनस टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है ना, माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, इसी का टू जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा फोर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस फोर ए सी, तो क्या हो जाएगा फोर ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या टू ए, तो ए की वैल्यू तो वन है तो टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, इसको मैं लिखता हूँ माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, टू से टू कट गया प्लस माइनस, अच्छा ऊपर से मैं फोर कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखो इसमें से अंडर रूट के अंदर मैं फोर कॉमन लूंगा तो फोर जब अंडर रूट में फोर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा टू आ जाएगा, और उस पूरे से टू से मैं क्या करूंगा टू कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहाँ से फोर हट जाएगा क्योंकि टू बाहर आ गया है, तो आ जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, और टू तो खत्म ही हो गया, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एस वन एस टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा ये जो अंडर रूट है ना इसके अंदर हम क्या कॉमन ले लें, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, देखो ध्यान से माइनस ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा वन माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब माइनस ओमेगा एन स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस
देखो माइनस ओमेगा एन स्क्वायर को बाहर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एन आ जाएगा, ठीक है, और ये अंदर अंदर में क्या चला जाएगा, वन माइनस जीटा स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ध्यान से देखो, ठीक है। माइनस ये क्या है, ये अंडर रूट में ऐसा है, देखो अंडर रूट में है माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ओमेगा एन स्क्वायर को बाहर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट में माइनस वन, ठीक है। अंडर रूट में माइनस वन को क्या लिखता हूँ मैं, जे ओमेगा एन लिखता हूँ, यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एस वन एस टू की वैल्यू, यहां से आ गया एस वन एस टू की वैल्यू, ये आ गया माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन ले लो पहले, तो हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक। एस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई एस वन एस टू, और ये क्या है, हमारे पोल्स हैं, सिस्टम के पोल्स है, ये हमारे आ गए पोल्स, ठीक है, ये हमारे पोल्स आ गए। अब भाई इनको क्या करना है, हमको पोल जीरो प्लॉट करना है, ठीक है ना, इनका क्या करना है हमको, पोल जीरो प्लॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये मत समझना बीटेक वीटेक का हम पढ़ रहे हैं, ये डिप्लोमा का है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब कहानी लिख के आओगे तो नंबर मिलना नहीं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और आपके सिलेबस में है कि बाहर की चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ वहां पे, तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, अब इससे हमको क्या ड्रॉ करना है भाई, इससे हमको ड्रॉ करना है पोल जीरो प्लॉट। तो पोल जीरो प्लॉट इसका हम कैसे करेंगे, पोल जीरो प्लॉट करते हैं, सॉरी ये हमारा हो गया पोल जीरो प्लॉट का, ठीक है। ये क्या होता है, सिग्मा होता है और ये होता है जे ओमेगा एक्सिस, है जे ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, पूरे प्लेन को बोलते हैं एस प्लेन, ठीक है। एनीवेज तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, हमको देखो ओमेगा एन वगैरह तो हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम जीटा की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट मार्क नहीं कर पाएंगे, तो हम केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं जब जीटा की वैल्यू जीरो है, तो जब जीटा की वैल्यू जीरो होगा तो एस वन की वैल्यू क्या होगा बताओ, जब जीटा की वैल्यू जीरो होगा भाई, तो उस केस में एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एस वन की वैल्यू हो जाएगा जीटा जीरो हो गया, देखो जीटा की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जीरो मतलब क्या हो जाएगा, एस वन की वैल्यू सिंपल जे ओमेगा एन, ठीक है, जे ओमेगा एन, और एस टू की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, मतलब जीटा इक्वल टू जीरो, ये कौन सा केस है, इसको बोलते हैं हम लोग अनडैम्प्ड केस, याद होगा आपको अनडैम्प्ड केस। अनडैम्प्ड केस में हमारा जो पोल जीरो प्लॉट है वो कैसे दिखेगा, कहाँ कहाँ होगा, एक होगा हमारा यहाँ पे, कहाँ पे होगा, ये जे ओमेगा एन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना, इसको ओमेगा एन मतलब ये जो है ये जे ओमेगा एन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये जे ओमेगा एन, और दूसरा कहाँ है, ये है माइनस ओमेगा एन पे, तो ये आपका है ओमेगा एन पे और ये है दूसरा माइनस ओमेगा एन, ठीक है। अब ये जो मैंने ये जो बनाया है, इस कलर से जो बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कलर से जो हमने ये किया है, ये अनडैम्प सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, ठीक, उसमें लगते हैं हम लोग जीटा इक्वल टू वन, जीटा इक्वल टू वन क्या था आपको याद होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है, जीटा इक्वल टू वन की बात हो रही है, तो जीटा इक्वल टू वन पे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, उस केस में एस वन की वैल्यू क्या होगी, देखो इस केस में जो S1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जीटा इक्वल टू वन पे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एन, ठीक है ना, जीटा की वैल्यू मैं वन रख दे रहा हूं ऊपर, इस वाले इक्वेशन में रख दे रहा हूं, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा एन प्लस, ठीक है ना, प्लस, अच्छा जब जीटा की वैल्यू वन रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा, मतलब प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन आ जाएगा,
ठीक है, माइनस ओमेगा एन आ जाएगा, और एस टू क्या आ जाएगा, एस टू क्या आ जाएगा, ए भी क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन और अगेन प्लस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। मतलब एस वन और एस टू की वैल्यू क्या होगी, जीटा इक्वल्स टू वन पे ये आ जाएगा आपका, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा कहीं यहाँ पे, अभी मैं दो पोल मार्क कर दिया यहीं पे, ठीक है ना, ये दो पोल आ गया, इसको मैंने मार्क किया है इस वाले से, इस वाले कलर से, ठीक है, एक क्रिटिकली डैम सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हमने मार्क किया पहले वाला क्या था, ये था फर्स्ट वाला केस क्या था हमारा, जब दोनों आपके पोल्स यहाँ पे थे, जो इमेजिनरी एक्सिस पे वो था अनडैम्ड सिस्टम, और दोनों पोल्स आपके जब रियल एक्सिस पे हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, ठीक है। तीसरा केस देखो, थर्ड थर्ड केस देखते हैं, जीटा की वैल्यू वन से कम है, जीटा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अंडर डैम्प्ड बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड, ठीक है। अब यार जीरो वन के बीच में है, तो अब इसमें मैं जीटा की वैल्यू जीरो वन के बीच में कुछ रखूंगा, तो मेरे को मतलब देखो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमको जीरो और वन का पता चल गया, मतलब आपका पहले पोल यहां था, ठीक है ना, मतलब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, मतलब हमारा ए जो है, ए वाला जो प्लॉट है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, जब हमारा जीटा की वैल्यू क्या था, जीरो था, जीटा की वैल्यू जीरो था, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जीटा की वैल्यू वन के, मतलब क्या है, जब जीटा की वैल्यू आप जीरो से वन बढ़ाओगे ना, तो ये जो पोल है ना, ये किधर की तरफ मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, कहां, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, ये मूव करेगा इस साइड में, किस साइड में मूव करेगा, जब जीटा की वैल्यू आप जीरो से वन मूव करोगे ना, तो ये इधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और जो नीचे वाला है एक इधर मूव करेगा, ये आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये आपका मूव इधर करेगा, तभी तो गया होगा, सोचो आप यहाँ पे जीरो था, ध्यान से देखो जीरो था तब तो यहाँ था, ठीक है ना, और वन था तो क्या हुआ, ए भी पोल यहाँ आ गया और ये भी पोल यहाँ आ गया, तभी तो ऐसे दोनों मिल गए ना आपस में आके, मतलब क्या होगा, जीरो और वन के बीच में कहाँ होंगे, ये आपके इन्हीं किसी, यही जो सर्कल है ना, इसी किसी लाइन पे होगा, इसी किसी लाइन पे क्या होगा, आपके पोल्स होंगे दोनों, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब हम जो जीरो और वन के बीच में देख रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, इसी सर्कल पे कहीं होगा, किस सर्कल पे, जो हमने येलो से ड्रॉ करा है, ठीक है ना, तो जब जीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन के बीच में होगी, तो इसी सर्कल पे होगा कहीं, इसी सर्कल पे उसका कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, ये आप करके देख सकते हो, जैसे मान लो जीटा की वैल्यू 0.8 रख लो, ठीक है, अब 0.8 रखोगे भाई, तो देखना ये जो आपका पोल जीरो आएगा ना, तो कहीं इसी पे लाइक कर रहा होगा, यही पे, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज देखना, इसमें जब भी पोल होगा ना, पोल जी जो भी सॉरी पोल होगा, हाँ, तो पोल जो होगा ना जब भी, वो क्या होगा कि मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई पोल सपोज करो यहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे, तो उसी के मिरर इमेज क्या हो जाएगा, नीचे भी एक लाइक करेगा, यानी कि एक ही पोल लाइक करेगा, क्योंकि दो पोल है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो ये आपको याद रहना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जीटा की वैल्यू मतलब ए, तो ए आपका जो पॉइंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, कैसे भी करके समझ लेना, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, ए वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला, ये क्या है, ये आपका है ओमेगा इक्वल टू अनडैम्प्ड सिस्टम का, इसको मैं लिख देता हूं यू डी, अनडैम्प्ड, ठीक है ना। अब अंडर डैम्प्ड भी यूडी ही होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको समझना, यूडी का मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है ना, और इसको क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सी डी, बोलते हैं हम सी डी, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है ना, ये वाला चीज। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो सर्कल वाला है पॉइंट, सर्कल मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पॉइंट है, देखो रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, रूप कौन सा कलर है, इससे शायद दिखेंगे, व्हाइट इज नॉट वर्किंग, ये क्या है हमारा पेंसिल है, व्हाट इज दिस, हम्म,
चलो बाल पेन से करते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है, गंदा दिखेगा तो हटा देंगे। ये जो है ना, ये वाला, इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे, ठीक है ना, इस वाले लाइन पे आपका क्या होगा, इस वाले लाइन पे होगा आपका, इस वाले लाइन पे होगा अनडैम्ड सिस्टम, क्या होगा, सॉरी अंडर डैम्ड सिस्टम, ये वाला सिस्टम होगा, ठीक है ना। ये वाला जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरे यार ये गंदा सा बंदे, रुक जाओ, इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ये जो दोनों चीजें हैं ना ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये कह रही है अंडर डैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड। लास्ट बचता है हमारा फोर्थ, फोर्थ क्या बचेगा, फोर्स जो बचता है वो होता है ओवर डैम्ड, जीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर डैम्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर जीटा की वैल्यू अगर वन से मैं ज्यादा कर दूं, देखो अगर तो वन से ज्यादा करूंगा, मान लो कि वन से ज्यादा क्या होगा, टू हो गया। अब भाई मैं वन माइनस फोर कर दूं, टू का स्क्वायर क्या हो गया, फोर, तो वन माइनस फोर करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में अंडर रूट थ्री आएगा, ठीक है ना। अब माइनस में भाई अंडर रूट थ्री आएगा, मतलब क्या होगा, उसमें से भी एक जे निकलेगा, माइनस में अंडर रूट थ्री का मतलब, माइनस में चलो एक एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं कि माइनस में अंडर रूट फोर आ गया। अब माइनस में अंडर रूट फोर का मतलब क्या हो जाएगा, टू जे आ जाएगा, और ये जे ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना, तो जे और जे मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देंगे और, ठीक है ना, मतलब क्या होगा कि ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी है ना, ये रियल क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैं क्या करूं, जीटा की वैल्यू वन से ज्यादा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो इमेजिनरी पॉइंट है ना, ये रियल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। अब रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जो भी होगा ना उससे कम हो जाएगा, मतलब है ना कि इस लाइन पे लाई करेगा। ध्यान से देखो, ये चीज समझ जाओगे पूरा वो मेरा पढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं जो बता रहा हूँ वो कहाँ लाई करेगा, वो इस पॉइंट पे लाई करेगा, देखो इस वाले पे, ये रियल है, देखो ये रियल वाले पॉइंट से, ठीक है ना। तो आपके पोल्स क्या होंगे, रियल होंगे, तो रियल पोल होंगे तो इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा। इसको लिखना हो यहाँ पे, देखो ये जो होगा, ए वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वो होगा आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम के, ये होगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो हमने सारे सारे जो भी हमने देखे अभी तक, वो क्या हो गया, सारे जितने भी टाइप के हमारी डैम्पिंग हो सकती है, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड, ठीक है ना, सारी चीज देखी। अनडैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा, पोल कहाँ होगा, पोल होगा जे ओमेगा एक्सिस पे, ठीक है ना, जे ओमेगा एक्सिस पे पोल होगा। क्रिटिकली डैम्प्ड में कहाँ होगा पोल, दोनों पोल एक जगह पे होंगे, रियल एक्सिस पे, यहाँ पे, ठीक है। अंडर डैम्प्ड में क्या होगा कि जो लोकस है आपका, लोकस का मतलब क्या है, जो पोल है ना ये आपका, अगर मैं उसी सर्कल पे घूमता रहूं, ठीक है ना, ये जो ओमेगा एन वाला सर्कल है इस पे मैं घूमता रहूं, उसी पे कहीं होगा, इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, जो मैंने ड्रॉ किया है मोटी लाइन, इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। ध्यान रखना, जहां पे भी होगा उसी का मिरर इमेज नीचे भी होगा, ठीक है, उसी का मिरर इमेज, उसी के सामने नीचे, दो होंगे ना, हमेशा होंगे तो दो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि हमारा जो है सॉरी चौथा केस, ओवर डैम्प्ड वाला केस। ओवर डैम्प्ड वाला क्या था कि ये जो जे जे मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा था, वो रियल नंबर आ जाए तो हमेशा क्या होगा, रियल लाइन पे होगा, इस वाले लाइन पे होगा, ठीक है ना, इस वाले लाइन पे होगा, तो इसको बोलते हैं हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे चारों केसेस हो गए। सबसे फास्टेस्ट सिस्टम कौन है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, सबसे फास्टेस्ट सिस्टम क्या है हमारा, क्रिटिकली डैम्प्ड है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।